चादर तो रहा क्या? नहीं कोई ना, कुछ ना हो रहा। अब तू चले जा यहाँ से भाई, मेरी मुसीबत। गाड़ी पहले ठीक तो करवा के आए, कैसे पता चलेगी नहीं वो? और तो बुला तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तू जाके ठीक करा गया ना। मुझे नहीं पता यहाँ कुछ भी। आज यही पहन के मैच खेलेंगे। कायर हो रही सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा चोट नहीं आई है। यहां भी लगी है। आज ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस मेरे थोड़ी सी चोट लगी है। स्वाति एकदम सेफ है और बस एक बार चेकअप कराना है बेबी का कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। एक बार उसका पता चल जाए सारी टेंशन खत्म। हमारे तो चोट है, हम तो झेल लेंगे। वो पेट के अंदर हमने देखा नहीं है, तो एक बार उसका चेकअप कराना जरूरी है। तो उसका एक चेकअप कराएंगे फिर आपको बताएंगे क्या स्थिति है। मैं तो अपना ठीक हूँ, मैं तो झेल लूँगा भाई। मेरे यहाँ यहाँ भी लगी है, एक बार देखिए ये पता नहीं कैसे लगी। जब दर्द हो रहा है तब पता लग रहा है कि हाँ यहाँ भी लगी है। पसीने के कारण जलन होती है इसी से। अच्छा पसीने आए अभी तो पता नहीं कहाँ पता चलेगा कहाँ पर लगी है। बस भाई इसको देखो कैसे खुश हो रहा है। बेटा पीछे बैठे थे तुम दोनों तो बच गए ना, ये इस बात की खुशी हो। मेरे को इस चीज़ की खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पापा मम्मी तो भाई सॉरी भाई। क्यों इसमें क्या तेरी गलती है? मेरी गलती है। मेरे को गाड़ी वाले को टॉक देना चाहिए था जो रॉन्ग साइड आ रहा है। भाई अगर फॉर्च्यूनर में ठुक जाती ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ शुक्र है कि डिवाइडर में ठुकी है, मेरा खर्चा हुआ है। अगर किसी गाड़ी में ठुक गई होती विशाल, अगर किसी गाड़ी में ठुक गई होती तो मेरे को तो भुगतान करना पड़ता भाई। तो रॉन्ग साइड में आ रहा था ना वो, गलती उसकी है तो नहीं करना पड़ता। हम क्या करते। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे ज़्यादा चोट नहीं आई है और हमारे विशाल भाई ठीक है, रजत ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट की, और स्वाति भी ठीक है। स्वाति घबरा जैसी ठुकी भैया, वो भाई मैं तो उस टाइम यहाँ चिल्ला रहा भाई, वो तो मेरे चिल्लाने से घबराए थे तुम तो भाई। उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि हम तो पता थोड़ी था भाई ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम तो एकदम से जैसी मैंने वो मैं ब्रेक मारने गया, वो रेस एकदम से मेरे उसमें घुस गई भाई, और गाड़ी एकदम सीधा डिवाइडर में, तो जो रेस वाला जो पंजा सा होता है वो मेरे पैर के अंदर घुस गया, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं स्वाति को देख रहा हूँ, मेरा दर्द हो रहा है लेकिन मैं स्वाति स्वाति कुछ हुआ तो नहीं ऐसा भाई। क्या सही जूता फट गया मेरा। स्वाति ठीक हो? वेरी गुड। आज के बाद उस गाड़ी में नहीं जाओगी? तोड़ दो गाड़ी। तो गाड़ी की गलती थोड़ी है, वो गाड़ी ही खराब है। जूते उठा ले बेटा, पैर रखा ही खराब है। खाना खा लो, फिर डॉक्टर ने जो दवाई दी वो दवाई खा लेना, ठीक है? पेन किलर वगैरह। तो गाइस डोसा पार्टी हो रही है वापस घर आने के बाद।
हाँ आ जाओ खा लो, जिस जिसको खाना बनना बाद में मत कहना बुलाया नहीं। स्वाति लव यू। मेरे ऊपर से हट जा भाई। ये तो चोट यहाँ पे लगी है, यहाँ पे थोड़ा लगी है, थुलथुलाता हुआ तो पेट है तकिए जैसा। अब आप शाम को क्रिकेट कैसे खेलोगे, इसमें तो आप थक रहे हैं। विशाल ये कह रहा है कि इसमें तो आप थक रहे हो, शाम को मैच खेलोगे। बेटा मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ था, स्टंट डली थी अंदर, इतनी लंबी स्टंट, तब मैच खेलने गया था अगले दिन। आज नहीं खेल पाऊंगा, पैर में लगी है। बेटा एक पैर से खेल लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, फट जाएगा। और मैं लेफ्ट ही खेल लूंगा, लेफ्ट ही। साथी से पूछो, पूछो साथी से। साथी देखो क्या कहते हैं, इतना तो पता है, जब इनका ऑपरेशन हुआ था अगले दिन खेलने गए थे, पर नहीं बाबू पैर का सवाल है। पैर तो ये क्या बात हुई, क्या बात बोल रही थी, क्या पलट गई एकदम से। पर नहीं ना, आज लगी हुई है ना, अब वो इस टाइम पे स्टैंड घुसा हुआ था अंदर, तब गया था मैच खेलने। एज का ही फर्क होता है। अब तो अब बुड्ढे हो गए हो। एक एज का ही फर्क होता है। एज का क्या कहना चाह रहे सत्य, तो अब बुड्ढे हो गए उस टाइम पे। शादी 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले, 4 साल में बुड्ढे हो गए। मैं और क्या, हां खुश हो रही हो अभी, 32 साल के हो गए। अब हंसी निकल रही होगी तुम्हारी, 32 साल के हो गए। 32 साल बता दो पब्लिक को चीख चीख के, बाल स्कीम बता दो। बाल सफेद हो गए आपके। मैं भी आपके जैसा हूँ। अरे वो कह रही मैं भी आपके जैसा हो गया, दोनों एक ही पहले। गाइस आज 2 दिन हो गए, और सैटरडे को नहाया था मैं, उसके बाद से 2 दिन से नहाया नहीं हूँ क्योंकि पैर में चोट लगी हुई है और पानी इसमें डाल नहीं सकते, तो इस वजह से। और अब ऐसा हो रहा है कहीं कहीं पे, अब दर्द हो रहा है, तब वहाँ पे मैं हाथ ला के देख रहा हूँ, अरे यहाँ भी चोट लगी है। तो ऐसा हो रहा है, अभी 3-4 जगह और चोट लगी है जो उस टाइम पर पता नहीं चला, अब दर्द हो रहा है। जैसे एक बार पीठ में दर्द हो रहा है, एक और 2-3 जगह और भी मैं बता नहीं सकता, फोटो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने मैसेज किए मैं आज देख रहा हूँ, और इतनी ब्लेसिंग दी है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच आप लोगों का। क्या बताऊँ, अच्छा लग रहा है, और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैं और स्वाति। और मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा कि हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ठीक है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। अब 2 दिन से फोल्डिंग पे लेटा हूँ। हाँ थोड़ा बहुत टहल रहा हूँ मैं, ताकि अभी यार प्रेगनेंसी टाइम है, अगर और एकदम से स्वाति के दर्द उठ गया तो क्या होगा, तो इस वजह से कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी रिकवर हूँ, हो जाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। तो ये हमारी भतीजी जी आई है मिलने, देखो आते ही रोने लगी, पहली बार मिल रही हूँ, पहली बार देखते ही रो पड़ी। अरे रोने वाली बात नहीं है, मैंने तो सोचा था ताई रोएंगी, ताई तो रोई नहीं। हाँ और स्वाति की साइड से ही ठुकी है गाड़ी।